सभी को नमस्कार। मैं कविता दुआ करनाल से स्वागत करती हूँ आप सभी का 10th की सिविक्स की क्लास में। आप सभी जानते हैं हम लेसन संघवाद पे चल रहे थे। लेसन को अभी हमने पहले भाग में देखा, तो पहले भाग में हमने ये जाना कि एकात्मक सरकार क्या होती है, संघात्मक सरकार क्या होती है, और एकात्मक और संघात्मक सरकार में अंतर क्या है। उसके बाद हमने जाना कि भारत में जो संघीय व्यवस्था है उसके बारे में, हमने संघीय सरकार की विशेषताओं के बारे में भी जाना। तो आज जो हम बात करेंगे वो है, उसके अलावा हमने पहले भाग में जाना कि विश्व में 193 देश हैं, 193 में केवल 25 देशों में ही संघीय सरकार है। उसके अलावा हमने उसकी विशेषताओं को जाना। आज जो हम करने जा रहे हैं वो है भारत में संघीय व्यवस्था, भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषताएं। उसके बाद हम जो जानेंगे वो है जो शक्तियों का विभाजन किया गया, केंद्र सरकार के पास कितनी शक्तियां, राज्य सरकार के पास और समवर्ती सूची। तो जो शक्तियों का विभाजन है हमारे संविधान में 3 अनुसूचियों में किया गया, संघ, राज्य, समवर्ती सूची, उनके बारे में हम जानेंगे। उस पर कौन कौन कानून बना सकता है उस सारे के बारे में हम जानेंगे। फिर हम जानेंगे भारत में भाषा के आधार पर जो राज्य बने हैं उनके बारे में। उसके बाद जो हमारे भारत की भाषा नीति है, देखिए हम सभी जानते हैं कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा, हिंदी के अलावा भी 21 भाषाएं और हैं जिन्हें संविधान में मान्यता प्राप्त है। तो हम जानेंगे कि हमारे भारत में कितने प्रतिशत लोग हैं वो कौन सी भाषा बोलते हैं, जैसे असमिया बोलने वाले, बंगला बोलने वाले कितने प्रतिशत लोग हैं। देखिए जो सबसे अधिक प्रतिशत है 43.63 वो हिंदी बोलने वालों का है। तो इस सब के बारे में हम जानेंगे। उसके बाद जो हम जानेंगे वो है गठबंधन सरकार। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, छोटे छोटे पार्ट्स में दिया गया है। तो आइए शुरू करते हैं हम अपना आज का टॉपिक संघवाद। देखिए हम लोग संघवाद की बात कर रहे थे, लेसन के भाग एक में जाना हमने कि संघात्मक सरकार क्या होती है, एकात्मक सरकार क्या होती है, एकात्मक शासन प्रणाली क्या है, संघात्मक शासन प्रणाली क्या है, उन दोनों में क्या अंतर है लक्षण में और विशेषताओं में। फिर उसके बाद हमने जाना कि संघवाद क्या होता है और कितने देशों में संघीय व्यवस्था है और संघीय व्यवस्था की विशेषताएं क्या हैं। आज हम उससे आगे जानेंगे। तो देखते हैं, देखिए आज हम जो जानेंगे वो है भारत में संघीय व्यवस्था। हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है, हमारे देश ने संघीय शासन प्रणाली को अपनाया है। तो जो संघीय शासन प्रणाली है उसमें सत्ता 2 भागों में विभाजित होती है। तो संविधान में भी हमारे भारत में सत्ता को 2 भागों में बांटा गया है, केंद्र और राज्य सरकारें। जो केंद्र सरकार है वो पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करती है और राज्य सरकारें अपने अपने राज्यों का। तो उसके देखिए 2 स्तरों के अलावा एक तीसरा स्तर भी बनाया गया, वो है पंचायतें और नगर पालिकाएँ। भारतीय संविधान जो है लिखित और कठोर है, राज्यों में शक्तियों का विभाजन स्पष्ट रूप से लिखा गया है। क्योंकि देखिए जो लिखित संविधान होता है उसमें हर चीज़ें लिखी जाती हैं कि केंद्र के ये काम हैं, राज्यों के ये काम हैं, बाद में जब स्थानीय शासन आया तो उसके भी काम निर्धारित किए गए थे। तीसरी चीज़, भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका है, किसी भी न्यायाधीश पे कोई दबाव नहीं है, वो मुकदमे के अकॉर्डिंग अपना निर्णय दे सकते हैं, उन पर किसी भी राजनीतिक दल का कोई दबाव नहीं होता कि कोई निर्णय उनके पक्ष में हो इस तरह से। तो जो सर्वोच्च न्यायालय है वो स्वतंत्र है, न्यायपालिका हमारे भारत की स्वतंत्र है,
राज्यों के बीच में उठने वाले विवादों को भी सर्वोच्च न्यायालय में निपटाया जा सकता है। तो ये भारतीय संघीय व्यवस्था के कुछ लक्षण हैं। आइए अब हम जानते हैं विधायी अधिकारों के बारे में। जो हमारा भारत है उसमें शक्तियों को तीन भागों में बांटा गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो जानते हैं सबसे पहले संघ सूची क्या है। आइए उसमें कौन कौन से विषय हैं। देखिए जो संघ सूची है उसमें जो बदलाव करने का या जो इसमें विषय हैं उस पर निर्णय लेने का अधिकार केंद्र सरकार का होता है। तो इसमें वो विषय रखे गए हैं जो हमारे देश की सुरक्षा से संबंधित हैं, जैसे रक्षा, विदेश मामले, बैंकिंग, संचार, मुद्रा, ये सब राष्ट्रीय महत्व के मामले हैं। तो इस तरह के विषय संघ सूची में वर्णित किए गए हैं। इस पर सिर्फ केंद्र सरकार को ही कानून बनाने का अधिकार है। ठीक है जी, अब हम देख लेते हैं राज्य सूची। राज्य सूची में देखिए केवल राज्य को ही इस पर कानून बनाने का या कोई भी निर्णय लेने का अधिकार है। तो जो राज्य सूची है उसमें विषय देखिए कौन कौन से आते हैं, लेकिन इसका एक अपवाद है राज्य सूची का। मान लीजिए राष्ट्रपति शासन लगा हो या केंद्र राज्य जो है वो अपनी सहमति से भी अपने किसी विषय पर केंद्र सरकार को कानून बनाने के लिए कह सकती है। तो अब हम देख लेते हैं राज्य सूची के विषय कौन कौन से हैं। देखिए राज्य सूची में आपके पास आ जाता है पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि, सिंचाई और स्थानीय महत्व के जो विषय होते हैं, जैसे कि शिक्षा है, इस पर राज्य सरकार भी कानून बना सकती है और केंद्र सरकार भी। तो ये कुछ विषय हैं, सिंचाई हो गया, कृषि हो गया, इन पर केवल राज्य सरकार ही कानून बना सकती है। अब हम जान लेते हैं समवर्ती सूची। समवर्ती सूची क्या होती है, जिस पर कि दोनों ही कानून बना सकते हैं। ठीक है जी, समवर्ती सूची वो सूची है जिस पर केंद्र और राज्य दोनों ही सरकारें कानून बना सकती हैं। तो आइए अब हम जानते हैं समवर्ती सूची के बारे में। देखिए समवर्ती सूची में आता है शिक्षा, वन, मजदूर संघ, विवाह, गोद लेना बच्चों को, उत्तराधिकार, जैसे पिता के संपत्ति पर किसका अधिकार होगा, ये सब विषय। इस पर केंद्र और राज्य दोनों की सांझी दिलचस्पी होती है, इस पर कोई भी कानून बना सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए किसी बात को लेकर दोनों में टकराव होता है, राज्य ने कोई कानून बनाया और केंद्र उस पर कोई आपत्ति जाहिर करती है, तो जो केंद्र सरकार का बनाया हुआ कानून है वो ही मान्य होगा, राज्य सरकार द्वारा बनाया गया कानून मान्य नहीं होगा। ये है समवर्ती सूची। आइए अब हम जानते हैं भारत में जो राज्य बने हैं वो भाषा के आधार पर बने हैं। ठीक है जी, जो हमारे भारत में आप इतने राज्य देख रहे हैं, क्योंकि जब हमारा भारत 1947 में बना तो उसके बाद विभिन्न रजवाड़ों को मिलाकर इसे इकट्ठा किया गया। तो जो 1947 में हमने लोकतंत्र की राह पकड़ी, 2020 आते आते भारत के मानचित्र में बहुत अधिक बदलाव आ गया। आज हमारे भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जबकि उस समय 14 राज्य थे। लेकिन आज राज्यों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है, दोगुनी। राज्य बनाने का आधार क्या रहा है, भाषा। भाषा के आधार पर अनेक राज्य बने। जो सबसे पहला राज्य बना था वो था आपका, क्या बता सकते हैं, सबसे पहला जो राज्य बना था वो था आंध्र प्रदेश। तो चलिए अब हम भाषा नीति के बारे में जान लेते हैं कि भाषा नीति क्या थी।
ठीक है जी। देखिए जो भाषा नीति है, हमारे भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, तो ये सबसे बड़ी समस्या थी कि किस भाषा को राष्ट्रभाषा बनाया जाए। तो जो भारत में 40% लोग हैं वो हिंदी बोलने वाले हैं, इसीलिए हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा बनाया गया। लेकिन हिंदी के अलावा अन्य 21 भाषाएं और हैं जिन्हें संविधान की अनुसूची में संविधान में मान्यता मिली हुई अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है। केंद्र सरकार ने किसी भी पद का उम्मीदवार हो इसमें से किसी भी भाषा में परीक्षा दे सकता है, बशर्ते कि वह इन विकल्पों में से चुने। राज्यों की अपनी अपनी राजभाषाएं हैं, लेकिन जो भारत की हम राजभाषा की बात करते हैं वो सिर्फ हिंदी है। उसके अलावा जो भारतीय संविधान की अनुसूची में है वो 22 भाषाएं हैं हिंदी समेत। आगे देखते हैं इससे। देखिए अब हम भारत की भाषाई विविधता के बारे में जान लेते हैं कि हमारे यहाँ कितनी भाषाएं हैं। आप अगर इन भाषाओं की गिनती करते हैं तो बहुत कठिन है आपके लिए, क्योंकि कहते हैं कोस कोस पर चार कोस पर वाणी बदले, इस तरह से कुछ एक कहावत गांव के लोग कहते हैं। तो हमारे भारत में हर थोड़ी दूरी चलते ही हमें एक नई बोली बोलने वाले लोग दिख जाते हैं। तो देखिए भिन्न भिन्न तरह की भाषाएं हमारे भारत में बोली जाती हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार 1300 से अधिक भाषाओं को लोगों ने अपनी मातृभाषा के रूप में दर्ज करवाया। इन भाषाओं में से कुछ प्रमुख भाषाओं को समूहबद्ध कर दिया गया है, जैसे भोजपुरी, मगही, बुंदेलखंडी, छत्तीसगढ़ी, राजस्थानी, ऐसी ही दूसरी भाषाओं को हिंदी के अंदर भी जोड़ दिया गया है। ऐसी समूहबद्धता के बाद जनगणना में 121 प्रमुख भाषाएं पाई गई हैं। देखिए काफ़ी सारी भाषाओं को जब मिलाकर एक अनुसूची में डाला गया तब भी 121 भाषाएं पाई गई हैं, जबकि हमारा संविधान 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को रखा गया है। तो इन्हीं जो ये 22 भाषाएं, इन्हें अनुसूचित भाषाएं कहते हैं और बाकियों को गैर अनुसूचित भाषाएं। तो देखिए इससे आपको समझ आएगा कि हमारे भारत में कितनी विविधता है। अगर हम असल में देखने लगें तो बहुत ही अलग अलग तरह की भाषाएं हैं, लेकिन जो जनगणना में सामने आई वो 1300 से अधिक भाषाएं जिन्हें लोग अपनी मातृभाषा कह रहे हैं, उन्होंने दर्ज करवाया बकायदा उसे। चलिए अब हम आगे देखते हैं। देखिए इस टेबल में आपको ज़्यादा पता चलेगा। देखिए क्या कह रही है टेबल, जो ये आपको भाषा और उसके बोलने वाले लोगों का प्रतिशत बता रही है। देखिए जो असमिया भाषा है उसे 1.26% लोग बोलते हैं, बांग्ला को 8.3, बोडो को 0.12%, डोगरी को 0.21, गुजराती को 4.58, हिंदी को 43.63%। ये 2011 की जनगणना के आंकड़े हैं जिसमें भाषाओं के ऊपर किया गया सर्वेक्षण कि कितने लोग कौन सी भाषा को बोलते हैं। देखिए जो सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भारत में भाषा है वो है हिंदी, 43.63% लोग हिंदी बोलते हैं। उसके बाद कश्मीरी है, कन्नड़ है 3.61, कश्मीरी 0.56, कोंकणी 0.19, मैथिली 1.12, मलयालम 2.88, मणिपुरी 0.15। तो सबसे कम जो बोली जा रही है वो है बोडो 0.12%, उसके बाद है मणिपुरी 0.15%। संस्कृत बोलने वाले लोग ना के बराबर हैं। तो अगर हम इन सब भाषाओं को देखें तो सबसे ज़्यादा जो बोली जाने वाली भारत की भाषा है वो है
हिंदी भाषा। ये एक चित्र देखिए, ये श्रीमती इंदिरा गांधी जी हैं और ये अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री हैं। वो अपने लिए शक्तियाँ मांग रहे हैं। देखिए हमारा विषय क्या चल रहा था, संघवाद, तो अब हम उसी टॉपिक पे वापस लौट आते हैं। संघवाद पे ये भाषा और संघ समवर्ती सूची उसका एक भाग था कि अगर हमारा देश संघवाद है तो इसमें कितनी तरह की भाषाओं के लोग हैं, वो सब विविधता आपको शो की गई है। अब हम मेन टॉपिक पे वापस आ रहे हैं। देखिए इस आपकी बुक में बहुत अच्छे अच्छे कार्टून्स दिए गए हैं, उसमें बच्चों का इंटरेस्ट पैदा करने की कोशिश की गई है। एक इस कार्टून के ज़रिए देखिए आपका इंटरेस्ट पैदा करने की कोशिश की गई है। इसमें देखिए आपको केरल, मद्रास, उड़ीसा, बंगाल ये सब लोग हैं, ये इंदिरा जी से शक्तियाँ मांग रहे हैं क्योंकि केंद्र सरकार संघवाद प्रणाली में सबसे शक्तिशाली होती है और राज्य कम। तो ये जो चित्र है ये उससे शो कर रहा है। चलिए अगली तस्वीर देखते हैं। ये देखिए आप सभी जानते हैं वर्तमान समय गठबंधन सरकार का युग है। तो ये कोई भी दल वर्तमान समय में इतना शक्तिशाली नहीं है कि खुद बहुमत ले सके और सरकार बना सके। अब इस कार्टून को देखिए, देखिए कितना बढ़िया शो कर रहा है कि जो मंत्री नेता बन के बैठा हुआ है उसके चारों तरफ बम ही बम लगे हुए हैं। देखिए जिनसे उन्होंने सहयोग लिया एक हिसाब से वो बम का काम कर रहे हैं। मान लीजिए कोई थोड़ी सी भी बात हुई तो वो उसी समय अपना समर्थन वापस खींचने की कोशिश करते हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है गठबंधन सरकार, तो इसके बारे में हम कल शुरू करेंगे गठबंधन सरकार और इसी कार्टून से ही स्टार्ट करेंगे। चलिए आपसे कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें।